बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया का सियासी निज़ाम कैसा है, फंक्शनिंग क्या है और इसमें कौन कौन काम करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम मूव करते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो थ्री पार्ट्स पर काम करती है। सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव, उसके बाद आती है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एग्जीक्यूटिव में कौन होता है और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। तो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो क्या करती है, इन्फोर्स करती है लॉ को, लॉ एंड जो ऑर्डर सिचुएशन होती है उसको क्या करती है, इन्फोर्स करती है, इम्प्लीमेंट करती है कानून को। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में शामिल कौन कौन है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और कैबिनेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट पर। प्रेसिडेंट जो है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, या हम कह सकते हैं जो इंडिया का सरबरा है वो क्या है, उसका कौन है, प्रेसिडेंट है। इंडिया का सरबरा कौन होता है, उसका प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडिया का सरबरा होता है। अब ये जो प्रेसिडेंट है ये एज अ नॉमिनल हेड काम करता है। नॉमिनल हेड सेम लाइक ब्रिटिश मोनार्क, मीन इनके पास पावर्स नहीं होती लेकिन इनके पास जो भी बिल आता है ये पवंत होते हैं कि उस पर इन्होंने साइन करने हैं। इवन इनका डेथ वारंट भी इनके पास आ जाता है तो वो उसके भी पवंत होते हैं कि इस पर क्या करें, साइन करें। इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 ईयर, ये 5 साल के लिए नॉमिनेट होते हैं एज अ हेड ऑफ इंडिया, एज अ हेड ऑफ स्टेट। इनके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के साथ ही इलेक्ट हो जाते हैं। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट भी उनके साथ ही इलेक्ट हो जाते हैं। ये प्रेसिडेंट का तब ऑफिस संभालते हैं अगर तो प्रेसिडेंट मौजूद ना हो, अगर वो कहीं बाहर गए हो या वो बीमार वगैरह हो जाए या उनके साथ कोई मसला वगैरह हो जाए तो ये फिर क्या करता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है ऐसी कंडीशंस में, या उनके साथ क्या उनके अगर उनके कहीं विजिट हो तो उनके साथ उनके विजिट वगैरह करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की ये फंक्शनिंग होती है, या वो मुल्क के बाहर कहीं गए हुए हैं तो मुल्क में उनको कोई काम पड़ गया है प्रेसिडेंट का तो ये उनकी जगह फिर एज अ प्रेसिडेंट क्या अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो थर्ड है वो आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है गवर्नमेंट का। आपने डिफरेंस रखना है, प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है स्टेट का और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। जैसे आजकल कौन है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर कितने साल के लिए आता है, प्राइम मिनिस्टर का टर्म कितना होता है, ये 5 ईयर के लिए आता है। इसकी एज कितनी होती है, 25 ईयर अबव हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होती, मिनिमम जो एज होती है वो 25 ईयर होती है। इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली, कैसे इलेक्ट होते हैं, वो पार्टी जिसने पॉपुलर वोट गेन किए होते हैं उसका जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो बनता है प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं मिनिस्टर्स, कैबिनेट जिसे हम लोग कहते हैं। कैबिनेट हर प्राइम मिनिस्टर का एक कैबिनेट होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, मिनिस्टर्स, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं और उसके साथ मिलकर क्या चलाते हैं, उसकी गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये हम इसके कह सकते हैं एडवाइज़र होते हैं जो उसको मशवरे वगैरह देते हैं। मिनिस्टर कितने हैं, कैबिनेट मेंबर की तादाद कितनी है, 22 होते हैं उसमें मिनिस्टर्स। अपॉइंट कौन करते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली बाय पीपल नहीं करते इसे, इनडायरेक्टली होते हैं प्राइम मिनिस्टर विद कंसर्न ऑफ प्रेसिडेंट।
जो कैबिनेट होता है वो क्या होता है, सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और हम इसे कह सकते हैं ये एडवाइजर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, हुकूमत को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर के साथ हम होते हैं। इन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, सेम कंपेयर टू पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान में फंक्शनिंग होती है सेम प्राइम मिनिस्टर, सॉरी सेम मिनिस्टर्स की फंक्शनिंग भी वैसे ही होती है इंडिया में भी। इसके बाद आ जाता है सेकेंड बॉडी जो आती है, पहली थी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट और वाइस प्रेसिडेंट होता है। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव सेकेंड ब्रांच है लेजिस्लेटिव। जो लेजिस्लेटिव है ये कम्बो होता है टू हाउसेस का। लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है, कम्बो है टू हाउसेस का, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस आता है। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है ये क्या करती है, इसने लॉ को बनाना होता है, अगर तो वार होती है उसको डिक्लेयर करना होता है। इसका जो मेन काम है ये लॉ मेकर होते हैं, इन्होंने लॉ बनाने होते हैं, कानून बनाने होते हैं। और जो रेगुलेट इंटरेस्ट होते हैं, जो फॉरेन कमेंट्स होते हैं, और कंट्रोल करते हैं टैक्स वगैरह को, ये सारी जितनी भी पॉलिसी होती है ये किसने करनी होती है, लेजिस्लेटिव। लेकिन जो मेन एजेंडा होता है एग्जीक्यूटिव लॉ को इन्फोर्स करती है और लेजिस्लेटिव लॉ को बनाती है, ये लॉ मेकर होते हैं, ये कानून बनाने वाले लोग होते हैं। अब लेजिस्लेटिव में कौन शामिल है, लेजिस्लेटिव जैसे मैंने बोला ये कम्बो होता है दो हाउसेस का, राज्यसभा और लोकसभा, और इन दोनों को इकट्ठा बोला जाए तो इनको हम कहते हैं पार्लियामेंट। इंडिया के इन दोनों हाउसेस को इकट्ठा किया जाए तो क्या हम बनता है, पार्लियामेंट बनता है। पहले बात करते हैं राज्यसभा। अब पार्लियामेंट टू हाउसेस पर है, बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, क्योंकि जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो क्या है, बाई कैमरल है, दो हाउस है, एक हाईएस्ट हाउस है और एक लोएस्ट हाउस है। जो अपर हाउस है ना उसका टेन्योर होता है, उसका दरानिया होता है 6 साल, ये 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। सेम इसे कंपेयर करें तो ये पाकिस्तान सिस्टम की तरह है, वो भी कितने साल के लिए, सेनेट के पर्सन अपेयर होते हैं 6 ईयर्स के लिए। मेंबर की तादाद कितनी है, 250, एज इनकी कितनी होती है, अबव 35, सॉरी 30 ईयर, ये इससे कम नहीं हो सकते, इससे अबव तो हो सकते हैं, इसके इक्वल हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होते। अपॉइंट कौन करता है, इनडायरेक्टली, इनके इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, बाय द पीपल नहीं आते, लोग इलेक्ट नहीं करते, इनके क्या होते हैं अंदर ही इलेक्शन होते हैं, किसमें, राज्यसभा में, और वहाँ पर ही इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन बेस पर होती है, इक्वल स्टेट पर्सन से आते हैं, मतलब जितने जितने उनके वो सूबे होंगे, जितनी स्टेट्स होंगी वहाँ से इक्वल बेसिस पर इनको लिया जाता है और इनको इलेक्ट कर लिया जाता है, और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लोग राज्यसभा के अंदर ही इनके इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर ही इनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है लोकसभा। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, जहाँ पर वो लोग आते हैं जिन्हें लोग चाहते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है, ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, एज इनकी अबव 25 होती है, इक्वल 25 हो सकती है लेकिन लोअर 25 नहीं हो सकती, शर्त होती है, क्योंकि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की देखिए कि वो भी 25 होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज कहाँ से होता है, लोकसभा से होता है। इनके मेंबर की तादाद कितनी है, 552। अपॉइंट कौन करते हैं, लोग करते हैं, जिसे लोग चाहते हैं वो लोकसभा का हिस्सा बनता है, ये लोगों के नॉमिनेटर होते हैं, डायरेक्टली वोट लेके आए होते हैं पब्लिक से, और इसलिए तो इनको पब्लिक की आवाज़ भी कहा जाता है कि ये पब्लिक पर्सन्स हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कहाँ से होता है, हमेशा लोकसभा से, क्योंकि ये मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, और वो कहाँ आता है, लोकसभा से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज नॉमिनेट होता है। उसके बाद थर्ड जो गवर्नमेंट की थर्ड जो ब्रांच है वो है जुडिशरी। फर्स्ट कौन सी थी, एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव कानून क्या करती है, इन्फोर्स करती है,
लेजिस्लेटिव कानून बनाती है और जो जुडिशरी होती है, अगर ये इस ब्रांच की क्या ड्यूटी होती है कि कानून को रिव्यू करना, अगर तो उसको लोग मानते नहीं हैं तो उसको उनके खिलाफ कार्रवाई करना, अगर तो उसमें कोई मसला है या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है तो उसको क्या करना, उसको रिव्यू करना, उसको क्या करना, उसमें अमेंडमेंट्स करवाना, ये होता है द कोर्ट। और जो कोर्ट होता है वो एक्सप्लेन करता है लॉ को, डिसाइड करता है कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने हैं। कानून जो जुडिशरी होती है इसका सारा काम क्या होता है, कानून को रिव्यू करना, सॉरी लॉ को रिव्यू करना, उसको एक्सप्लेन करना, अगर लॉ के कोई खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लेना होता है, ये आता है जुडिशरी बॉडी में। जुडिशरी क्या काम परफॉर्म करती है, उसका रिव्यू करती है लॉ का, उसके खिलाफ अगर कोई उसके खिलाफ वर्जी करता है तो उसको खिलाफ एक्शंस लेती है। अब जुडिशरी में जो हाईएस्ट, हाँ जो है जो हाईएस्ट कोर्ट है उसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, या हाईएस्ट कोर्ट होती है मुल्क की। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट होती है जुडिशरी में, और रिस्पॉन्सिबल होती है कि मेक श्योर करे कि कोई भी जो लॉ पास कर रही है, लेजिस्लेटिव लॉ, जिसने भी लेजिस्लेटिव में जो भी कानून पास किया है क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा। उसमें क्या होते हैं, एक वन चीफ जस्टिस होता है, एक चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ साथ अदर 30 जज भी बैठे होते हैं, और ये फाइनल कोर्ट होती है, क्यों ना कि ये हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने के लिए। सो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट समय ये भी बता सकते हैं हम किस मुल्क के कानून को डिस्कस करें, किस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करें। सो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।